हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैंने क्रिएट किया है सॉफ्ट गोल्डन ग्लिटरी आई मेकअप लुक। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि आज का ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो इसके लिए आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं कि आज का लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट यूज़ करी और उसमें से मैंने ब्राउन आई शेडो लिया बड़े वाले फ्रफी ब्रश पे, और इस आई शेडो को मैंने लगाया है क्रीज में। थोड़ा थोड़ा सा कलर मैं लेती जाऊँगी और साथ ही साथ ब्लेंड करती जाऊँगी। सो एकदम हमें प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं उठाना होता, थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट उठाना होता है और साथ में इसकी ब्लेंडिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होती है, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो तभी हमारा आई मेकअप जो है वो अच्छा हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ब्लेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। उसके बाद जो है मैंने ले लेना है मैट मेटेलिक जेलिक की लिक्विड आई शेडो। मैंने इसके डॉट डॉट लगा देने हैं, उसके बाद जो है ना मैंने इसे अपनी फिंगर की मदद से ब्लेंड करना है। सो इसे जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेना है, अगर ये ड्राई हो जाएगी तो फिर ये ब्लेंड नहीं होगी। सो बहुत इजीली ये ब्लेंड हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने बड़े फ्लफी ब्रश पे थोड़ा सा और ब्राउन आई शेडो ले के क्रीज में थोड़ा सा और इसे लगा देना है। उसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लेना है छोटे वाले फ्लैट ब्रश पर, और इसे मैंने जो है ना आउट कॉर्नर को थोड़ा सा स्मोकीनेस बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी सा लगाना है ब्लैक आई शेडो। मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगाना, लाइट सा मैंने स्मोकी देना है। उसके बाद मैंने मिस रोज़ के मल्टी शेड ग्लिटर ले लिए हैं और इसे मैंने वहाँ पे लगाना है जहाँ पे मैंने गोल्डन आई शेड लगाया था। उसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, ब्रोबोन्स एरिया को हाईलाइट किया, इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया, और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी जी लाइनर। लाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ क्रेलॉन का एक्वा लाइनर, और लैश लाइन के साथ साथ जो है मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, और मैंने छोटू सा एक विंग बनाना है। मतलब इतना बड़ा विंग नहीं बनाना, आप इस लुक को जो है पार्टी मेकअप के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्लशर में से जो डार्क ब्राउन डार्क मेहरून कलर है उसे मैंने लेयर लैश लाइन पे लगा देना है छोटे वाले फ्लैट ब्रश की मदद से, और कोई सा भी आई बेस लेके मैंने वाटर लाइन पे लगा दिया। मेरे पास यहाँ पे वाइट पेंसिल नहीं थी तो काम चल गया। और 1 सेकेंड वॉल्यूम मस्कारा मैंने लगाया, बहुत अच्छा मस्कारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी लैश जो है काफ़ी अच्छी जो है वॉल्यूमाइज हो चुकी हैं। सो मैंने लेयर लैश को भी जो है मस्कारा लगा लेना है, और मस्कारा देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है 5D लैशेज़ लगाने के बाद। ये है जी मेरा फाइनल लुक। सो आप देख सकते हैं वल्लाह कितना प्यारा लग रहा है अपने मुंह या मिट्टू। सो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।